गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा का ह्यूज शॉपिंग हॉल। इस वीडियो में दोस्तों आपको मिक्स चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक क्लोथिंग आइटम तो नहीं होंगे, स्किन केयर, हेयर केयर एंड कुछ मेकअप से रिलेटेड स्टफ्स होंगे जो मुझे काफी दिनों से चाहिए थे एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई देम आउट। एंड मैं इनको काफी दिनों से दोस्तों ट्राई करना चाहती थी क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट में थे बहुत दिनों से। सो या गाइस, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें ऑर्डर की है, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर भी कर देना फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सो दोस्तों, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, देयर आर ह्यूज बॉक्सेस आई थिंक, और ये इतने आधे मैंने आपको दिखाए हैं और मेरे साइड में यहाँ पे भी और भी बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं। आई थिंक 7 to 8 बॉक्सेस हैं मेरे पास। फर्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों मैंने परचेज किया है फ्रॉम दी ब्रांड दी बॉडी शॉप। दिस इज द न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी शॉप। ये इनका दोस्तों बॉडी वॉश है, 345 रुपीज का है, 250 ml इसकी क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की दोस्तों बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस ना बिल्कुल वैसी है जैसे जो बचपन में हम लोग खाते थे ऑरेंज वाली जो टॉफी आती थी ना, जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस एंड सिट्रसी ऑरेंजिश काइंड की। Oh my god, just feel that vibe and yeah, I'm so excited to try this one as well and yeah, so happy for this ki I got it। And इनके और भी जो ranges हैं like strawberry and बहुत सारी range है, so definitely going to try अगर मुझे ये अच्छा लगता है। So yeah, this is my first purchase from the body shop। भी दोस्तों द बॉडी शॉप से ही है और ये है इनकी द बॉडी शॉप विटामिन ई नाइट नरिशिंग क्रीम है ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है दोस्तों और काफ़ी ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग इसकी मुझे लगी है। 50 ml की क्वांटिटी है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये है इसका प्राइस 1195 रुपये, यानी कि लगभग 1200 रुपये की ये नाइट क्रीम है। और मुझे नाइट क्रीम्स का हमेशा ही मैं यूज़ करती आ रही हूँ फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी नाइट क्रीम ट्राई कर रखी हैं एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये कुछ इस टाइप का टेक्सचर में आती है, 50 ml इसकी क्वांटिटी है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन एज वेल। एंड नेक्स्ट दोस्तों, मैंने इस ब्रांड से रीपरचेज किया है, आई थिंक 4 to 5 टाइम्स मैंने इसको परचेज कर लिया है। सो ये है दोस्तों द ब्रांड कामा आयुर्वेदा एंड मैं इनका प्रोडक्ट काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग। एंड अब इनकी इस टाइप की ही पैकेजिंग में सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दिस इज़ द हेयर ऑयल गाइज और ये है कामा आयुर्वेदा का भृंगादी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट और ये 250 ml का प्रोडक्ट है दोस्तों। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों, 1295 रुपये इसकी कॉस्ट है, यानी कि 1300 रुपये का है दोस्तों। इसका छोटा भी आता है अगर आप उसको वो लेना चाहते हो, समथिंग कुछ 675 रुपीज़ के अप्रॉक्स मिलता है। अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हो तो आप मिनी वर्जन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इस ऑयल को यूज़ करना चाहते हो। बहुत ही जल्दी दोस्तों मैं इसका रिव्यू लेके आने वाली। नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों एक ब्लश एंड ये है ब्रांड फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन एंड दोस्तों इसमें मेरा शेड है बेक्ड पीच। ये 550 रुपीज़ का है एंड इसमें कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं मेकअप रेवोल्यूशन में एंड मुझे इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं एंड मैं इनके आई शेडोज वगैरह ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो आई थिंक इसमें 4 to 5 वेरियंट्स आते हैं, सो हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड इस कलर का ब्लश दोस्तों मेरे पास था भी नहीं एंड मुझे ये ब्लश बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा क्योंकि ऐसे ब्लशेज मैंने अभी इसके पहले ट्राई नहीं किए। दिस इज सो इंटेंस पिगमेंटेड एंड मुझे इसका जो टेक्सचर दिया गया ना, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड आप इसकी पिगमेंटेशन देखो, हल्का सा दोस्तों मैंने बस टच किया है एंड जस्ट पिगमेंटेशन इज सो गुड। सो दिस इज द स्वैच। इस टाइम पे दोस्तों मैंने ब्लशेस बहुत सारे परचेज कर लिए हैं एंड ये इस बॉक्स में मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें भी आई थिंक ब्लशेज ही हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम लॉरियल एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों, 750 रुपीज़ का है, 4.5 ग्राम इसकी क्वांटिटी है एंड इसमें मेरा शेड है 11B फेयर्स। इसके साथ में दोस्तों आपको छोटा सा ब्रश मिलता है, सो इस टाइप की कुछ शेप में आता है एंड दिस इज़ द ब्लश, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड इस बार दोस्तों मैंने मैट ब्लशेस परचेज की है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये और आई होप कि ये मेरी स्किन टोन पे अच्छा लगे। सो या आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट अगेन ब्लश।
एंड दिस इज द ब्रांड फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड ये इनका सबसे ज्यादा फेमस ब्लश है. एंड दोस्तों इस बार मैंने ना सारे ही फेमस ब्लशेज उठाए हुए हैं. वेट एंड वाइल्ड का दोस्तों है इसमें मेलो वाइन. एंड दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स अ ड्यूप ऑफ मैक कॉस्मेटिक इन द शेड मेलबा. मैंने उसको ट्राई नहीं किया है बट हाँ जब मैंने इसकी पिक यू नो कंपेयर की तो काफी ज्यादा सिमिलर था, आई मीन ऑलमोस्ट सिमिलर था. एंड इसका प्राइस है 499 रुपीज और ये आई थिंक सभी स्किन टोन पे बहुत ही ज्यादा सुटेबल है. और ये ना जैसे आपने अगर बहुत ज्यादा बोल्ड आई मेकअप किया हुआ है या फिर आपने स्मोकी आई लुक किया हुआ है तो उसके संग में बहुत ही अच्छे से यू नो पेयर अप करेगा. सो या ये हो गए मेरे इस बार के 3 ब्लशेस और मैंने सारे ही हॉट सेलिंग यू नो ब्लशेस पिक किए हैं इस बार. आई होप कि इन सब के मैं रिव्यू आपके संग में शेयर कर पाऊँ. या गाइज अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा है और अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो मैंने सभी चीज़ों के परचेज लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. और या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर कर देना फ्रेंड्स फैमिली के साथ में. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन take care of yourself, stay healthy, stay happy and bye.